बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मिस समीना, योर कंप्यूटर टीचर विद लेक्चर नंबर 7। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर डेट इज कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इन चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट, टुडे वी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट वी डिस्कस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सेटअप, देन वी डिस्कस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट्स यूनिट्स, then memory storage and its types, and last one is input devices and output devices. Student, in previous lecture or chapter number 1, introduction to computer, we discuss many things. We discuss history of the computer, we discuss generations, then we discuss how many classification of computer, computer kahan par use ho raha hai, computer kaise use ho raha hai, hum computer se kis tarah fayda le rahe hain, aur kis kis field mein computer use ho raha hai, aur computer ki kya shape hai, kya size hai, kya capacity hai. Humne in sab cheezon ko discuss kiya. Humne ye bhi dekha ki kis tarah computer hamari zindagi mein dakhil ho gaya hai. Hum har waqt, har jagah, har lamha computer kisi na kisi tarah, kisi na kisi device की फॉर्म में हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करता है, कंप्यूटर इन तमाम काम को कैसे परफॉर्म करता है, हमें कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट हैं जो कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटर बनाते हैं, जो कंप्यूटर में कंप्यूटर को यूज़ में लेकर आते हैं, या कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट कौन से हैं. तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सेटअप, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के ऑल कंपोनेंट, यूजफुल कंपोनेंट हम इसको डिस्कस करेंगे. एज यू नो द स्टूडेंट, कंप्यूटर इज़ यूजलेस अंटिल वी फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर. अगर हमें कंप्यूटर से काम लेना है तो फर्स्ट वी इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर, वी गिव द डेटा टू द कंप्यूटर, दैट इज़ प्रोसेस. द डिवाइसेस थ्रू विच वी इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर द फिजिकल इक्विपमेंट दैट एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूज़र थ्रू द इनपुट डिवाइसेस. सो मैनी इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू enter the data into the computer for processing. Here we discuss three devices that are used as a compulsory use in the computer, and without that we cannot enter the data computer. First is keyboard. A keyboard is a primary text input device. It consists of set of keys for computer input. अगर हमें कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना है एंड डेटा बेस्ड ऑन नंबर्स, अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर, देन वी यूज़ कीबोर्ड. एक्चुअली कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट बेस्ड डेटा, यानी वो डेटा जिसके अंदर नंबर्स भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी है. तो अगर हमें ऐसा डेटा कंप्यूटर में इनपुट करना है, देन वी यूज़ कीबोर्ड. Second input device, which is also primary input device through which we can enter the data into the computer, but it is not used to enter text based data. It is used to move a pointer on a computer screen in order to point to a place on a display screen or select the action to be taken. So mouse is used to open any file, any object, any images, और किसी भी screen की movement को control करने के लिए भी हम mouse use करते हैं. The next input device which we use to enter the graphical data. If you want to enter the data which is based on pictures, any images, then we use scanner. Scanner is a device which is used to read images or text and convert the data into digital signal which can be directly feed and store into the computer. अगर हमें अपने document, अगर हम एक document type कर रहे हैं, उस document में हमने text based data है लेकिन उसमें हम pictures भी add करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए scanner use करेंगे. Scanner images को convert करेगा किसमें, digital signal में, और then it will be part of that document, पार्ट ऑफ डेट डॉक्यूमेंट. सो देर आर सो मैनी डिवाइसेज जिसमें हम, और भी है, डिजिटल कैमरा है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, बहुत सी इनपुट डिवाइसेज है, लेकिन जो मेन तीन तरह का डाटा होता है, एक पॉइंटिंग डाटा, एक टेक्स्ट बेस्ड डाटा और एक ग्राफिकल डाटा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर टेक्स्ट बेस्ड डाटा वी यूज़ कीबोर्ड, फॉर कंट्रोल द
monitor screen or pointer, control the pointer, we use mouse, and to enter the graphical based data, we use scanner. When we enter the data into the computer, it is in a human readable form. Input devices ka ek kaam ye bhi hota hai ki it take the data from the user, then translate it into machine language. Kyunki computer processing jab karta hai to use data hamesha machine language mein required hota hai. To input devices perform two tasks. First, it take the data from the user, then it translate this data into the machine language so that CPU can easily processing this data. In CPU, there are three units: control unit, arithmetic unit, and arithmetic and logical unit, and memory unit. But when the data come into the CPU, it is temporarily stored in the registers. Registers are temporary storage area where the data can be stay for a short period of time. Through register, data will be transferred to the control unit. Control unit is the part of the CPU where all the computer resources are managed. It control all the activity of the computer. तो जब data control unit के पास आता है तो control unit decide करता है कि इस data को कहाँ transfer करना है. अगर data storage based होता है then it go to the memory unit. और अगर data processing based होता है जिसमें earth में calculations भी होती हैं, कुछ logical decision भी होते हैं, then data goes to the arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit process that data, then it transfer to the again to the control unit. And if the data is present in memory unit or usko dobara retrieve karna ho, then it is also again go to the control unit. So the all the data will be managed by the control unit. CPU has three unit: control unit, arithmetic and logical unit, and memory unit. But isme functional unit jo hai wo control unit hai aur arithmetic logical unit hai, kyunki control unit manage all the resources and arithmetic and logical unit used for processing. Memory unit is not the functional unit of the CPU because it is used to store the data for a short period of time. Agar hum memory unit mein data हमें रखना है कि जब तक कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है या कंप्यूटर ऑल स्विच ऑन है तब तक डेटा मेमोरी यूनिट में स्टे रहेगा. लेकिन अगर हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है देन वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं टू स्टोर द डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर परमानेंटली स्टोर. मेमोरी यूनिट में डेटा विल बी स्टे for a short period of time. As we switch off the computer, all the data has been washed out. But if you want to store the data for a long period of time or usko permanently store karna hai, then we move the data to the secondary storage device. Magnetic tape, drum, floppy disk, and magnetic disk, all these four devices are used to store the data for a long period of time or permanently store. We will discuss all these devices in our next chapter in detail, but here I give you the introduction about these computer devices जिसके अंदर हम data store कर सकते हैं. magnetic tape में भी कर सकते हैं. drum और magnetic tape अब बहुत कम use होती है. floppy disk भी अब इतना use नहीं होती, but we are using hard disk to store the data at that time. हम अभी भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट हेयर वी डिस्कस ओनली फोर डिवाइसेस. ओके, अगर आपके पास डाटा को स्टोर नहीं करना, आपने डाटा को प्रोसेसिंग कर लिया, आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा डाटा विल बी गो टू द आउटपुट डिवाइसेस. ओके स्टूडेंट, आफ्टर प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर दिस डाटा टू द आउटपुट डिवाइसेस. Output devices are the those devices which are used to display the processing data, process data ya information ya result. To output devices are used to display our processing data which are information which are result based. To wo output devices par show hoti hai. But here I clear one thing that ke jab प्रोसेसिंग होकर डाटा आउटपुट डिवाइसेस के पास आता है देन इट इज़ इन अ मशीन लैंग्वेज.
So output device first translate this data into the human readable form so that human easily understand that result or their information. Output devices are those devices, physical equipment through which we can see our result, see our processing data or see the organized data or information. There are three devices, main devices, which are used to display the data. If the data is based on स्क्रीन बेस्ड यानी आपको सिर्फ उसको स्क्रीन पर देखना है देन वी यूज़ मॉनिटर वी कॉल इट सॉफ्ट कॉपी डेटा सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज विच थ्रू विच वी कैन सी ओनली सी द डेटा वी कैन नॉट टच इट वी कैन नॉट टेक इट इन योर हैंड तो अगर आपको डेटा की हार्ड कॉपी चाहिए तो देन वी यूज़ प्रिंटर अगर आपको रिजल्ट प्रिंट पेपर की फॉर्म में चाहिए देन वी यूज़ printer and if you want to only see the data then you use monitor but if the data is based on voice base then we use speaker to display the that processing data or information so student you see that how the computer has worked it take the data from your user through the input devices, CPU processing this data and output devices display processing data or information. Here we discuss the main part of the computer that is central processing unit. It is the main component of the computer. All the processing has been done in the CPU central processing unit. The central processing unit CPU is the brain or the nerve center of the computer system. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की कंप्यूटर में वही हैसियत है जो इंसान की इंसानी बॉडी में ब्रेन की होती है विच कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जस्ट लाइक दैट सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर यानी ये कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है दैट्स वाई वी कॉल इट इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर The processing or calculating function take place in the CPU. जब हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं तो डाटा हैज़ बीन प्रोसेस तो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आइदर इट्स अ कैलकुलेशन बेस्ड आइदर इट्स बेस्ड ऑन एनी डिसीजन ऑल दैट प्रोसेसिंग हैज़ बीन डन इन द CPU. In personal computer, the CPU is housed in a single chip called microprocessor. CPU computer के motherboard पे मौजूद होता है in a single chip form में जिसे हम कहते हैं microprocessor. It is here that raw data is transformed into meaningful information and it is hub of processing activity. मैंने अभी आपको जब ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर की सेटअप की बताई एक्सप्लेन की थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है इट्स इन अ रॉ फॉर्म यानी वो प्रोसेसिंग नहीं होता इट्स अ रॉ फॉर्म तो सीपीयू ट्रांसलेट प्रोसेसिंग दिस डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी जो डायरेक्ट रॉ फॉर्म में डाटा होता है कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करता है इन अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट तो एक्चुअली द सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ हब ऑफ ऑल द कंप्यूटर प्रोसेसिंग एक्टिविटी नाउ द फंक्शंस ऑफ सीपीयू व्हाट फंक्शन द सीपीयू हैज परफॉर्म दैट इज The central processing unit interprets the data and instruction. जितनी भी कंप्यूटर को instructions में मिलती हैं in the form of raw data, इसे interprets करता है CPU. Generate control signal. It also function of the CPU that it generate the control signal के कहाँ पर data को transfer करना है. Either it's a calculation base, either it's a decision base, or either it's used for storage. It perform arithmetic and logical operation. As you know that CPU का एक main unit है that is ALU, arithmetic logical unit. अगर हमारी data जो है that is based on calculation जिसमें addition भी हो रही है subtraction, multiplication, any type of calculation, then it goes to the arithmetic unit and arithmetic unit
processing this data, or process karne ke baad it transfer it to the control unit. And if the data is based on logical decision, jisme aapko yes ya no ki condition mein ho, then it is go to the logical unit. Arithmetic and logical unit are the one unit, but it's divided into two part, AU arithmetic unit and logical unit. It produces the addresses bit needed by the memory unit of CPU. As you know that student ke CPU ka ek unit memory unit bhi hota hai. Jab hum computer mein data save karte hain to data ek particular address generate karta hai aur us address par jaake wo data save hota hai. To ye jo uske addresses hote hain, addresses bits hoti hain, that's are also generated by CPU. Now the components of CPU. There are three main component of CPU. That's are control unit, arithmetic and logical unit, and memory unit. We discuss all these three unit one by one. Now we discuss component of CPU. The first most important component of CPU is control unit. All the computer resources are managed by the control unit. Student, control unit CPU ka asal mein brain hai. Control unit CPU ka brain hai. Jaise nervous system mein brain maujood hota hai aur brain puri body ki activities ko control karta hai. Just like that, control unit is a brain of CPU and it manage all the resources of the control unit. Control unit में जितनी भी activities हो रही होती हैं, जितने भी resources हैं या computer के जितनी भी activities हैं, उन सब को manage करता है control unit. It work like a traffic cop, directing the flow of data between the component of the CPU and to and from the other devices. Resources को manage करना कैसे है? जैसे कि अगर आप एक traffic cop की example लें. अगर ट्रैफिक कॉप या आप सिग्नल्स की बात कर लें तो इट डिसाइडेड विच ट्रैफिक हैज़ बिन गो एंड विच इस ट्रैफिक शुड बी स्टॉप. तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि वो डिसाइड करता है कि डेटा को किस तरफ ट्रांसफ़र करना है, डेटा को कहाँ कब स्टॉप करना है, कहाँ पर डेटा की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, कहाँ सिग्नल्स कंट्रोल करने हैं, कहाँ सिग्नल जनरेट करने हैं. दैट्स इट. All the activity has been done by control. जैसे एक supervisor है, एक company का supervisor पूरी company की working को control करता है. Same like that, control unit is control and manage all the resources. Either it's based किसी भी component के साथ हो, computer के जितने भी component हैं, input devices हैं, output devices हैं, computer के motherboard पे जितनी भी slots हैं या जो भी उसमें कंप्यूटर में कंपोनेंट हैं, उन तमाम कंपोनेंट की वर्किंग को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है. द CU कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU कंप्राइसेस ऑफ द रजिस्टर विच फंक्शन एज टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइसेस. स्टूडेंट, जब मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन की थी तो उसमें मैंने आपको रजिस्टर का बताया था. जब इनपुट डिवाइसेस से डाटा ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल यूनिट की तरफ तो वो कुछ देर रजिस्टर में स्टे करता है. क्यों स्टे करता है? अगर हम बल्क ऑफ फॉर्म में डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे देन वो तमाम का तमाम डाटा एक साथ कंट्रोल यूनिट में नहीं जाएगा, इट विल बी स्टे इन अ रजिस्टर और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होगा कंट्रोल यूनिट में. तो रजिस्टर आर द प्लेस वेयर डाटा कैन बी स्टोर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट्स ऑल्सो रजिस्टर्स आर ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस वेयर बट इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर डाटा स्टे करता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड डाटा ट्रांसफर प्रोसेसेस एंड फ्रॉम मेमोरी. जैसे मैंने अभी आपको बताया, तमाम इनपुट डिवाइसेस की तरफ से जो भी डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट की तरफ ट्रांसफ़र होता है, दैट ऑल एक्टिविटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द CPU. CU control unit. Okay, what the function of CU control unit? First, it interpret and carries out instruction of computer program. It select program statements from memory,
move these instruction to register in the control unit, carries out instruction. So आप उसके अगर फंक्शन देखें तो इन फंक्शंस में तमाम काम कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है, और वो इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सीयू में आ रही है, कंट्रोल यूनिट में आ रही है. इन इंस्ट्रक्शंस को वो कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मैनेज करता है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, और इन तमाम इंस्ट्रक्शन पर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होता है, दैट ऑल आर परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट. Next component of CPU is arithmetic and logical unit. Student, यहाँ मैं clear कर दूँ, arithmetic and logical unit is a unit which comprises two unit. One is arithmetic unit and other is logical unit. कहलाता ये पूरा arithmetic and logical unit है, but it has इसके internally भी it has two part, AU arithmetic unit and logical unit. If the data is processing, data is calculation based, then it is go to the arithmetic, and if the data has any decision, then it is goes to the logical unit. So the arithmetic logical unit is a part of the CPU, and it perform arithmetic operations such as addition, subtraction, and multiplication as well as logical operation. Arithmetic unit is used to perform the mathematical operation or decision based operation, that is called logical operation. What function the ALU perform? That is, the ALU perform the basic function on data received from primary storage based on the instruction from the control unit. The ALU, when receive the data from the control unit, it is calculation based. So वो इन instructions पर काम करता है, इनको processing करता है, और processing करने के बाद transfer back to the control unit. It perform arithmetic and logical operation. Next one is, it include a group of register that are used to hold the data currently being processed. In arithmetic and logical unit, the registers are also प्रेजेंट. अगर यहाँ पर भी बल्क की फॉर्म में डाटा आता है, देन द रजिस्टर आर यूज दैट डाटा फॉर टेम्परेरी स्टोर करता है, एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बी ट्रांसफर टू द कंट्रोल यूनिट. हेयर इज अ वर्किंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU. इट्स मीन दैट यू कैन सी दैट हाउ द CPU हैज वर्क, हाउ द सिग्नल्स हैज बीन जनरेटेड, हाउ द डाटा हैज बीन फ्लोड, how the control signal can be controlled, and how the flow of instruction. यहाँ पर आपको flow of data, flow of control, और flow of instructions show किए गए हैं कि किस तरह input devices से data memory unit में जाता है और control unit से input आता है. आप देखें यहाँ control unit को हमने traffic cop की form दी है, signals की red signals की form में लिखा है, जिसमें red, yellow and green, and you all know that what's the meaning of red, yellow and green. How the data has been transferred from memory unit to ALU, control unit to ALU, and how the data after processing data has been transferred to the output devices, memory unit and secondary memory storage. All the thing has been cleared in this block diagram of CPU. The third component of unit of CPU is memory unit. Student, control unit and arithmetic logical unit is a functional unit of the CPU. Yani they both unit perform all the function of the computer. Memory unit is a part of CPU, but it's not a functional unit of computer. A functional unit of CPU. It's a unit where we can store the data for a short period of time until the computer is switched on. Memory unit is a temporary storage device inside the computer where we can store the data. Memory unit is part of CPU, but it's only used to store the data. और जितना भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, इट्स आवर वर्किंग एरिया. हमारे पास वो वर्किंग एरिया होता है जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं. जब तक हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है, दैट डाटा कैन बी स्टे इन मेमोरी यूनिट. एज वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, ऑल द डाटा हैज़ बीन डिलीटेड. The basic type of memory is set of chip located on the motherboard close to the microprocessor so that data can travel quickly between the two devices.
memory unit is located in a motherboard but it's near to the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर का क्लोज होता है, तो जब सीपीयू या कंट्रोल यूनिट को डेटा रिट्रीव करना होता है या डेटा को स्टोर करना होता है, देन इट क्विकली ट्रांसफ़र टू द सीपीयू. सो इट्स अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड बट एंड क्लोजली एंड नियर टू द माइक्रोप्रोसेसर, सो दैट डेटा कैन बी ईजली ट्रांसफ़र बिटवीन टू डिवाइसेस. टू डिवाइसेस मीन कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. There are two main types of memory, or we can say that memory unit is two types which are present inside the computer. Yani memory unit has two part. What is one is RAM and other is ROM. RAM form random access memory and ROM mean read only memory. Now we discuss ROM and RAM individually. First we see the characteristic of ROM. ROM mean read only memory. First we see the definition of the ROM. ROM contains computer essential program that are necessary to start up the computer. That's why it is called pre-programmed memory. ROM ki definition kya hai? ROM is the area where that program has been saved jo ke computer ko प्रोसेसिंग करने में या कंप्यूटर के जो मेन एसेंशियल प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के या कंप्यूटर को चलाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल रोम इज़ अ प्री प्रोग्राम मेमोरी. यानी कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है दैट प्रोग्राम इज़ प्रेजेंट इन अ रोम. दैट्स वाई वी कॉल इट प्री प्रोग्राम मेमोरी. Okay, the second characteristic is stands for. What does the ROM stand for? ROM stands for read only memory and it permits you to only read the data. The student, the program which is saved in the ROM is only for read. You cannot make any modification. You can just see that program. कि आप उस प्रोग्राम के करेक्टिस्टिक को देख सकते हैं कि कैसे आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, कौन सी फाइल पहले रन हो रही है. तमाम प्रोसेसिंग जो होगी जो प्री प्रोग्राम मेमोरी जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगी, आप यू जस्ट कैन सी इट. यू कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन, यू कैन नॉट राइट एनी थिंग इन दैट रॉम. दैट्स वाई वी कॉल इट रीड ओनली मेमरी. द मेमरी मेमरी विच यू कैन ओनली रीड, यू कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन. The third characteristic of ROM is nature. इसकी nature क्या है, यानी किस काम के लिए use होते हैं. It is permanent or non-volatile in nature, so it does not lose its content when we switch off the computer. Student, अभी जब मैं आपको memory unit बता रही थी तो मैंने उसमें कहा था कि data has been deleted as we switch off the computer. जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो द डेटा विच इज़ प्रेजेंट इन द मेमोरी यूनिट इज़ डिलीटेड, बट रोम के अंदर जो डेटा मौजूद होता है डेट्स नेचर इज़ परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल. इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, डेट इज़ नॉन वॉलेटाइल. परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल, चाहे आपका कंप्यूटर चल रहा हो चाहे आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो, द डेटा और प्रोग्राम विच इज़ प्रेजेंट इन द रोम इट इज़ परमानेंटली सेव इन इट एंड It can not be lost its content अगर हम switcher computer को switch off कर देते हैं. The next characteristic of ROM is access data. How can it access the data? It access data randomly. The information which is frequently required for a computer and needed not to be changed is kept on ROM. ROM is a random access memory. यानी इसमें data जो है वो randomly access किया जाता है. And the data which is randomly accessed is the fastest memory or fastest type of memory. इसमें वो data save किया जाता है which are required frequently, हमें computer को ज़रूरत होता है और उसमें के अंदर कोई change नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है. जैसे computer की कैसे processing होगी, कैसे काम computer करेगा, वो तमाम एक program के अंदर save होगा. That is required. रिक्वायर्ड आपके कंप्यूटर की रिक्वायर्ड है, बट आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते. दैट्स वाई इट्स सेव इन अ रोम एंड इट कैन नॉट बी चेंज और यू कैन नॉट मेक इन चेंज इन इट. द इंफॉर्मेशन इज स्टोर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी चिप बिफोर द कंप्यूटर इज असेंबल.
ये इंफॉर्मेशन या ये प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर जब सेव कर दिया जाता है, जब कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, यानी उसके जब पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स या उसके जो कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, तो ये प्रोग्राम कंप्यूटर की रोम के अंदर सेव कर दिया जाता है, दैट जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि हाउ कैन यू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। दैट्स वाई रोम इज़ ऑफन कॉल्ड फर्मवेयर, यानी रोम को हम फर्मवेयर मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्टन होती है। जो भी कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है, दैट स्टोर दैट प्रोग्राम इन दैट मेमोरी, तो ये इसलिए इसको हम फर्मवेयर मेमोरी कहते हैं, द मेमोरी विच इज़ असेंबल्ड और बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम वी हैव? Beside a simple ROM, a computer may have few other type of ROM chip. ROM की दूसरी chips भी बहुत सारी chip types की form में ROM आपके पास available होती है. First is PROM, programmable read only memory. Second one is EPROM, erasable programmable read only memory. EEPROM, electrically erasable programmable ROM. And the fourth one is EAPROM, electrically alterable programmable ROM. ये रोम की टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन सी किस तरह की रोम आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, यानी जब आप अगर कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर कौन सी रोम मौजूद है, तो आप यू कैन आल्सो सी दैट। नाउ द करैक्टरिस्टिक ऑफ रैम। स्टूडेंट, रैम इज़ द मेमोरी यूनिट, पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट, बट एक्चुअली मेमोरी यूनिट इज़ कंसीडर्ड एज अ रैम। हम जो जितना काम मेमोरी यूनिट में करते हैं, कंट्रोल यूनिट जितना काम या सीपीयू में जितना काम मेमोरी यूनिट में होता है, दैट ऑल वर्क हैज़ बीन डन इन द रैम। रैम इज़ आवर करंट मेमोरी। सो द डेफिनेशन ऑफ रैम इज़, रैम इज़ अ मेन वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर टू होल्ड द प्रोग्राम that is currently running along with the data it needs and to run program and process data. So जितना भी कंप्यूटर में प्रोग्राम रन जितना भी कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, it's all working has been done in the RAM. So RAM is our working area. RAM में जब हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें जो भी डेटा आता है तो वो डेटा रैम के में स्टे करता है और रैम के बाद ट्रांसफ़र टू द सीपीयू। और अगर आपके पास डेटा हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है तब भी ये डेटा ट्रांसफ़र होगा पहले रैम में एंड देन इट ट्रांसफ़र टू द कंट्रोल यूनिट और सीपीयू। तो वी कैन से दैट कि जितना भी प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर में रन करते हैं, आइदर इट्स शॉर्टली स्टे इन द रैम और आइदर इट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, इट ऑल कैन बी डन इन द रैम। सो वी कैन से दैट रैम इज़ आवर मेन मेमोरी, आवर मेन वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। द सेकेंड करैक्टरिस्टिक ऑफ रैम इज़ दैट इट व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। RAM stands for random access memory and it permit you to read and write data. R for random, A for access, M for memory. RAM stands for random access memory. यानी वो RAM जिसमें कि आप data को randomly access कर सकते हैं and it permit you to read and write data. ROM में हम कोई modification नहीं कर सकते थे, but we can change, we can make a modification, we can delete the data, we can add the data, we can save the data, everything we can done in the RAM. So we can say that RAM is a read and write data, yani isme aap data mein ko store bhi kar sakte hain, isme data ko aap retrieve bhi kar sakte hain, isme data ko aap delete bhi kar sakte hain, isme data ko aap modification bhi kar sakte hain. Okay, what is the nature of RAM? RAM is a temporary and volatile in nature, so it loses its content when we switch off the computer. ROM is a permanent memory, but RAM is a temporary or volatile in nature. Yani iski nature kya hai ki jaise hi hum computer switch off karenge, all the data present in the RAM is washed out, it deleted. आइदर अगर हमने हमारे पास एक्सीडेंटली कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो डाटा जो आपने परमानेंटली सेव नहीं किया होता
और वो अभी रैम के अंदर मौजूद होता है, दैट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, आपको वो डाटा दोबारा रिट्रीव नहीं होता. सो द नेचर ऑफ रैम इज़ टेम्परेरी एंड वॉलेटाइल इन नेचर. इट लॉस इज कॉन्टेंट, जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा आपका वो तमाम डाटा लॉस्ट हो जाएगा. हाउ कैन वी एक्सेस द डाटा इन द रैम? इट एक्सेस द डाटा रैंडमली लाइक रोम. रोम की तरह हम इसमें भी डाटा को एक्सेस करते हैं रैंडमली. रैम एंड रोम बोथ एक्सेस डाटा रैंडमली, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फास्टेस्ट मेमोरी. इट स्टोर द इंफॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग सो डैट इट कैन बी एक्सेस क्विकली. सो मोर प्रोग्राम योर सिस्टम इज रनिंग द मोर मेमोरी यू विल नीड. चूँकि मैंने अभी आपको वहाँ पिक्चर्स के जरिए भी समझाया था कि डाटा को एक्सेस किया जाता है और ये डाटा क्विकली एक्सेस इसलिए होता है कि बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट. तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर एक्टिवली यूज़ हो रही होती है, रनिंग मेमोरी हमारे पास जो मौजूद होती है, उसको हम इजीली क्विकली हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. तो कंप्यूटर सो द ऑल द प्रोग्राम विच इज़ रनिंग इन द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड द मेमोरी डैट इज़ रैम. रैम इज़ ऑफन कॉल्ड यूज़र मेमोरी और मेन रैमी, क्योंकि ये यूज़र इस मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, इसमें ऑल्टर कर रहे होते हैं, इसे डिलीट या उसके अंदर सेव कर रहे होते हैं. तो डैट्स वाई वी कॉल इट यूज़र मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रैम, डैट्स आर डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम. दो तरह की मार्केट में रैम अवेलेबल हैं, एक डी रैम है और एक एस रैम है. जब हम आगे इसकी करेक्टरिस्टिक को दोबारा डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इन टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, रैम की भी और रोम की भी. स्टूडेंट, जब मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सेटअप की डिस्कशन की थी तो उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली डिवाइस, दैट इज़ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस विच आर यूज टू एंटर और फीड द डेटा टू द कंप्यूटर from user. So here the definition of the input devices. Input devices are the physical equipment that read or translate data consisting of alphabet, number or other symbol into electronic impulses which can be understood by the computer. स्टूडेंट, जब मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम समझाई थी तो उसमें भी मैंने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी कि इनपुट डिवाइस असल में फिजिकल इक्विपमेंट है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ये तमाम फिजिकल इक्विपमेंट है. यू कैन टच इट, ये आपके पास मौजूद है. बट इनकी वर्किंग क्या है? दैट एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से डाटा लेंगे. व्हेन यूज़र गिव द डाटा टू द कंप्यूटर, द इनपुट डिवाइसेस, दैट डाटा बेस्ड ऑन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. इट्स मीन दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड डाटा, बट कंप्यूटर रिक्वायर दैट डाटा विच इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. सो द इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म टू टास्क. फर्स्ट इट टेक द डाटा फ्रॉम द यूज़र इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, then translate data, this data into electronic impulses or in a binary language so that computer easily understand data and process that data. जो data हम computer को देते हैं that's are based on alphabet, numbers and symbol, but it translate into the electronic impulses through input devices so that computer easily process that data. What is the purpose or function of input devices? That purpose of input devices is to pass information to the memory unit of the CPU. First, it means that your user and enter the data, feed the data into the computer through the input device. Second purpose which performed by input device is that it convert the characteristic letter, number and other symbol into binary pattern which can be held inside the computer memory. When user enter the data into the computer, it is in the form of numbers, letters and symbol. They all are scattered form or it's a raw form, and input devices take that data from the user, then transfer it into binary pattern so that computer easily can understand it, easily can process it. So the input devices perform two main purposes. Examples are keyboard, mouse, scanner,
light pen, joystick. There are so many input devices which are used for different purposes. Here we write only three names, that's our keyboard, mouse and scanner. Other main device of computer which are used to display the data on the computer, which are used to display the data or result or information, that's our output devices. The output devices are also physical equipment which present the outcome of the computations and related activity carries out in the CPU so that these can be understood by the human. When CPU process that data, it transfer this data to the output devices. ये मैंने अभी आपको समझाया अभी था. When output devices have the data from the CPU, it is in a machine language or binary pattern. So the first task output device perform that it translate that binary pattern data into the human readable form and then display on the devices, that's our monitor, printer. What is the purpose and function of output devices? The purpose of output devices is to convert the data and information expressed in electronic impulses to human understandable forms such as printed report. I already explained that ke output devices ke paas jab data aata hai, that's are in a electronic impulses or binary pattern, yani wo in computer and machine language mein hota hai. And then output devices first translate the data into the human understandable form such as that printed report, yani wo usko aasani se pad sake, human usko aasani se us result ko samajh sake. These devices are used to display processed data or information on monitor or printer. After translating that data into the human understandable form, then it will be display on the output devices. And which are the output devices? That's our monitor or printer. If you want to see the data on the screen, then you use monitor, and we call it soft copy device. And if you want to get the data in your hand or in a hard copy, then we use printer. So printer is a hard copy device and monitor is a soft copy device. Examples of output devices: monitor, printer, plotter and speaker. Okay student, review of today's lecture. आज के lectures में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिसमें हम जान सके हैं कि computer कैसे working, computer की working कैसे होती है, यानी block diagram of computer setup में हमने computer का एक पूरा setup पढ़ा है कि computer कैसे working करता है. We also called it EDP cycle, electronic data processing cycle. Then we discuss CPU and its unit, जिसके अंदर हमने discuss किए हैं control unit और arithmetic logical unit. Then we also discuss separately memory unit. Memory unit को हमने अलग से discuss किया है, although it's a part of the CPU but it's not a functional unit. तो हमने memory unit में हमने two parts को discuss किया है, उसकी दो memories को, two types को discuss किया है, that's our RAM and ROM. Then we also discuss which input devices and which output devices are used in the computer and how they work and what the purpose and what the function they have performed. Okay student, now the assignment time. The question number one, compare the characteristic of RAM and ROM. Student, you will make a two column and compare the characteristic of RAM and ROM by using the headings. Question number two, draw the block diagram of computer setup and CPU in your register. आपने block diagram of computer setup और CPU दोनों मैंने यहाँ पर आपको explain भी की हैं और आपके पास सामने भी है. You will draw it in your register. Write the purpose of the control unit and arithmetic logical unit. आपने सिर्फ arithmetic और control unit के purposes लिखने हैं कि why we, what function they have performed. Students, our two topic left for this chapter. Inshallah, we will discuss the rest of the chapter in the next lecture. See you in the next lecture. Okay, student. Allah Hafiz.